अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास, उम्मीद है आप सब घर में खैरियत से होंगे। बेटा मेरा नाम फरहान अहमद है और चूँकि हमारे ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं, मैंने सोचा कि साथ साथ आपको क्लास 10th के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसे चैप्टर्स के लेक्चर्स दे दिए जाएँ जिनका वेटेज कुछ कम है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट भी होंगे इंशाल्लाह, और साथ साथ मज़ीद लेक्चर्स भी बनते रहेंगे। ऐसे चैप्टर्स को उठाया जाए जो कि ईजीली, मतलब आप उसको ईजीली डिलीवर भी कर सकते हो और आप उसको घर में बैठ के आराम से उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा 10th क्लास की फिजिक्स का जो मैंने चैप्टर डिसाइड किया है वो है चैप्टर नंबर 11, साउंड, आवाज़। आज के जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर का, लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर का, ये चैप्टर है क्या चीज़, इसके बारे में, इसमें मैं आपके इस चैप्टर के की टॉपिक्स बताऊंगा, और इसके बाद इस चैप्टर का वेटेज भी हमारा होगा, मतलब ये है कि बोर्ड में ये चैप्टर कितने मार्क्स का पूछा जाता है और इसमें से क्या क्या कुछ आता है बोर्ड में। की टॉपिक्स हमारा इंट्रोडक्शन के अंदर क्लियर होगा, फिर हम साउंड की जनरल डेफिनेशन करेंगे, नेचर ऑफ साउंड पढ़ेंगे कि ये जो आवाज़ है ये किस किस्म की वेव है, किस किस्म की नेचर रखती है, नेचर क्या होता है चैप्टर वन में, मतलब चैप्टर नंबर 10 में, क्लास 10 की पहले चैप्टर में ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। फिर हम इसके नेसेसिटी कंडीशन के ऊपर हम पूरे डिस्कशन करेंगे और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताऊंगा जिससे आपको क्लियर होगा कि आवाज़ दरअसल है क्या। चलिए हम अपना नाम अपना ये लेक्चर जो है ना ये स्टार्ट करते हैं, साउंड। अच्छा बेटा आपको याद होगा आपने 9th क्लास फिजिक्स में ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ा था, ठीक है, वहां पर साउंड फिजिक्स आपको याद होगा, साउंड फिजिक्स आपने वहां पे क्लियर की थी डेफिनेशन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में। वहां आपको बताया गया था कि आवाज जो है ये एक एनर्जी है और ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट होती है एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के तहत, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका पूरा एक चैप्टर है, वहां पे आपको मैंने बताया था कि बेसिकली ये जो चैप्टर है, ये जो डिस्कशन है, ये हम क्लास 10th में करेंगे। तो बिल्कुल बेटा ये वही टॉपिक है आपका, साउंड इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना ही है, इस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ना है कि ये आवाज होती क्या है, आवाज पैदा कैसे होती है और ये आवाज की नेचर क्या है और हर आवाज दूसरे आवाजों से कैसे मुख्तलिफ होती है। मतलब साउंड से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक हैं, जितनी भी जनरल प्रॉपर्टीज हैं इसकी, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है और डिफ्रैक्शन भी है इसकी, ठीक है। तो ये तमाम टॉपिक बेटा यहाँ पे जनरल आपके क्लियर होंगे। की टॉपिक्स कौन कौन से हैं इसमें, इसमें सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया नेचर एंड फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक है, ये टॉपिक होगा आपका। इको क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होती है, बेसिकली दोनों में थोड़ा सा फर्क है। स्पीड ऑफ साउंड आवाज की जो रफ्तार है वो कितनी है, जैसे आप कहते हैं ना कि हर एक एनर्जी की अपनी एक स्पीड होती है, जैसे कि लाइट की स्पीड है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इस तरीके से आवाज की जो स्पीड है ये डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। तो ये चला ये टॉपिक में हमारा आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूस्टिक्स, देखिए बालगंज और इसके अलावा एक्यूस्टिक्स बेसिकली एक नॉलेज भी है, ठीक है, साउंड से रिलेटेड है जिसपे आप साउंड की डिस्कशन करते हैं। और ये जो इसकी अहमियत है एक्यूस्टिक्स की, ये क्या है, हमारी आवाज जो बार बार गूंजती है, ठीक है, इसके ऊपर कौन कौन सी डिस्कशन आती हैं और कौन कौन से हम लोग जो है ना टॉपिक डिस्कस करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आज जब आप ऑडिबल फ्रीक्वेंसी नहीं, काबिले समात आवाज की फ्रीक्वेंसी, मतलब ये है कि हर आवाज सुनी नहीं जा सकती, कुछ आवाजें ऐसी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है कि उन्हें भी सुन सकते और कुछ आवाजों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा भी होती है, उन्हें भी सुनना मुमकिन नहीं होता इंसान के लिए। अच्छा अब ये इंसान जो है और इस तरीके का से मुख्तलिफ किस्म के जानवर, इनकी जो फ्रीक्वेंसी रही है, इनकी कितनी फ्रीक्वेंसी तक की आवाज को ये सुन सकते हैं, फ्रीक्वेंसी अपनी डेफिनेशन है, ठीक है, वो भी साथ साथ क्लियर होती रहेगी टॉपिक के अंदर। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, आपको नाम से आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा होगा, अल्ट्रासाउंड होता क्या है, ऐसी आवाजें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती हैं, बहुत ही बारीक वेवलेंथ की होती हैं, इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ये क्या है और इनके यूजेस क्या है, चलो ये भी हम क्लियर करेंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, अल्ट्रासाउंड के यूजेस भी क्लियर करेंगे और फिर सबसे एंड में न्यूमेरिकल्स भी हमारे होंगे यहाँ पे। ये बेटा इसका इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, वेटेज।
देखिए जी, चैप्टर नंबर 11 जो है ये आपका पॉसिबली लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट देगा आपको, ठीक है। वैसे अब तकरीबन पिछले कुछ अरसे से इस चैप्टर में अच्छा खासा पूछा जा रहा है, लेकिन इस साल चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 10 का आपस में एक पेयर बन गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो पॉसिबली आपका लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आपका 4 या 5 नंबर का आएगा तो थ्योरी आएगी, वरना फिर न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं है, 5 नंबर का होगा। चले हम फर्ज करते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स, हम इसके मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो फर्ज किया कि 5 नंबर की आपकी थ्योरी का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया एक पार्ट, साथ में 2 शॉर्ट क्वेश्चन, या अगर आप 3 कर लें 3 शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब 3 × 2, 1 शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 6 नंबर का ये हो गया, और साथ में 1 MCQ, ऐसा पॉसिबल है 1 × 1 = 1, तो टोटल मार्क्स आपके बन गए ये 12 मार्क्स। तो 12 नंबर का तकरीबन पेपर आपका इसी से पूछा जाना है, जरूरी नहीं कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 भी आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है। अगर तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया तो ऑब्वियसली यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन की तादाद ज्यादा होगी। अच्छा, MCQ 1 ही 2 भी आ सकते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मैक्सिमम हम मार्क्स की बात करेंगे तो वो 12 मार्क्स के आपके बनते हैं 5, 6 और ये 6, ठीक है, और ये 1, 12 मार्क्स का आपका टोटल इस चैप्टर में से पेपर बनेगा। ये बेटा इसका ब्रेकेज है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत, और यही चैप्टर आपको फर्दर बड़ी क्लास में आपको मजीद टॉपिक के लिए बुनियादी कॉन्सेप्ट बहुत ही जो जनरल आपकी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे क्लियर होगी। आप रेजोनेंस वगैरह पढ़ेंगे, आप मुख्तलिफ किस्म की वेव्स के बारे में, स्टेशनरी वेव्स वगैरह, ये तमाम टॉपिक जो होंगी बेटा ये सारे आपके वहाँ पे आ जाती हैं। तो चले जी स्टार्ट करते हैं हम अपनी डेफिनेशन से ही, आवाज़ क्या होती है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि आवाज़ जो है ये एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन से पैदा होती है। मतलब बचपन में हम एक शरारत करते थे, रबर बैंड को हाथ में लगाकर ऐसे खींच के उसको स्ट्रेस हाथ में लाकर उसे ऐसे थोड़ा सा प्लग करते थे और उसके कान के पास लाकर उसकी आवाज सुनते थे, तो वो हमें एक आवाज कुछ ना कुछ सुनाई देती थी। तो होता क्या था कि जब वो रबर बैंड तेजी के साथ वाइब्रेट करता था तो वो आवाज क्रिएट करता था, वो बेसिकली मीडियम में खलल पैदा करता था। अब ये मीडियम क्या होता है बेटा, मीडियम अर्थ पर 3 किस्म के हैं, ठीक है, यहां पर मैंने क्लियर कर दिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आवाज जो वो पैदा होती थी वो अपने इर्द गिर्द मीडियम के जरात में एक डिस्टरबेंस क्रिएट करती है जिससे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी बी प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट की वाइब्रेशन से पैदा होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम, सम मटीरियल मीडियम, हेंस वी कैन हियर, और हम कुछ ना कुछ सुन पाते हैं, मतलब कोई ना कोई आवाज। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी आवाजें बेटा आप सुन सकते हैं वो आवाजें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में वाइब्रेशन से ही पैदा होती हैं। अभी ऑब्वियसली मैं जब बोल रहा हूं तो मैं ये प्रॉपर डायफ्राम जो है वाइब्रेट कर रहा है और ये प्रॉपर आवाज को क्रिएट कर रहा है, और मेरे इर्द गिर्द जो एक मटीरियल मीडियम है, कौन सा मीडियम है, हवा, इस हवा ने ये प्रॉपरली डिस्टर्बेंस क्रिएट करके मुझसे आप तक ये आवाज पहुंच रही है। तो हम ये कहेंगे कि आवाज जो है ये वो एनर्जी है जो कि अपने प्रोडक्शन पॉइंट से, अपने ओरिजिन से वाइब्रेशन के तहत पैदा होती है और मीडियम की मौजूदगी में प्रोपोगेट करती है, शार्प करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती है। जी, डेफिनेशन क्लियर होगी। नेचर ऑफ साउंड, आवाज जो है वो मैकेनिकल नेचर है, याद रहे। देखिए जी, मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, हमारे पास वेव 2 किस्म की होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी वेव जिनके गुजरने के लिए, या ऐसी एनर्जी जिनके गुजरने के लिए, ट्रांसफरेंस के लिए सॉलिड लिक्विड गैस का किसी मीडियम का होना जरूरी हो, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल नेचर मटीरियल या फिर मैकेनिकल वेव कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी की भी आगे एक किस्म है चैप्टर नंबर 10 में, यानी कि आपके टेक्स्ट बुक 10 फिजिक्स के पहले चैप्टर में लॉन्गिट्यूडनल नेचर का जिक्र किया, लॉन्गिट्यूडनल वेव का जिक्र किया गया है, इंशाल्लाह इसके कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर होंगे।
जी नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन। देखिए जी क्या जरूरी शर्त है आवाज के पैदा होने के लिए, आवाज के पैदा होने के लिए जरूरी शर्त यह है कि कोई ना कोई मीडियम मौजूद हो। मीडियम नहीं है तो आपकी आवाज एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोपगेट अशात नहीं हो सकती, उसकी ट्रांसफरेंस नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर जैसे अभी हम आपस में बात कर रहे हैं, हम इस तरीकाकार से चांद पर बैठकर मून पर बैठकर हम बात नहीं कर सकते। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि वहां कोई मीडियम नहीं है, वो वैक्यूम है, खला है वो। तो आवाज से गुजरने के लिए कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। तो अब आप सोचते हो कि सर वहां पर जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो कैसे अपनी डाटा को ट्रांसफर करते हैं? वो बेटा बेसिकली वो अपने उस डाटा को माइक्रोवेव की सूरत में सेटेलाइट की मौजूदगी में अपना डाटा ट्रांसफर करते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, आप भी गुप्त शरीर की हो रही होती है, मैकेनिकल नेचर में नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वहां कोई मीडियम नहीं है, खला है, स्पेस है वहां। जी नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड प्रेजेंस ऑफ मीडियम, किसी मीडियम की मौजूदगी। द मीडियम शुड बी अ सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस। ठीक है जी, तमाम मीडियम्स में स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट है, जिसका आगे टॉपिक आएगा। ठीक है, प्रॉपर एक टेबल बनाना है, इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेटा जी ये आवाज से रिलेटेड एक जनरल डिस्कशन थी हमारी। जी अब हम आगे बात चलाते हैं कि आवाज की निशयात के लिए, मतलब इसकी प्रोपगेशन के लिए हमें मीडियम की जरूरत है। तो हम इसको किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए समझें। मिसाल के तौर पर आपके पास एक ग्लास जार है, शीशे का एक जार है, वर्तमान है आपके पास। आपने क्या करना है, आपने इस ग्लास जार जिसके साथ आपने एक वैक्यूम पंप भी लगा दिया। वैक्यूम पंप एक ऐसा पंप होता है जो किसी मटेरियल के अंदर से हवा को बाहर निकाल देता है या उसके अंदर हवा को डाल देता है। ठीक है जी, तो एक स्पेस क्रिएट करने का एक डिवाइस होता है ये। आपने इसके साथ एक कॉर्ड लगा दिया, प्लास्टिक का या रबर का बना हुआ होगा ये। ठीक है, आप इसको कह दें कि एक मजबूत ढकना, ठीक है, जो इसको एयर टाइट रखे। इसके अंदर एक छोटा सा सुराख करेंगे हम, और उस सुराख के जरिए हम इसके अंदर एक अलार्म सिस्टम लगा देंगे, एक अलार्म सिस्टम। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने वैक्यूम पंप से इसकी हवा को बाहर खारिज कर देना है। ठीक है, मतलब सक्शन पंप से इसके जरिए प्रॉपर इसकी हवा को बाहर खारिज करना है। अब होगा क्या, यहां से ये एयर टाइट है। अब आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसे बन चुकी है कि अलार्म अंदर लटक रहा है, ठीक है, इस ग्लास जार के अंदर, और अंदर वैक्यूम है। अब आपने अलार्म के लिए एक टाइम सेट कर दी थी। जैसे ही अलार्म बजना शुरू कर देगा अपने प्रॉपर टाइम पे, आपको किसी किस्म की आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी, किसी किस्म की सेंसेशन नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आपने इस वैक्यूम पॉइंट से, इस वैक्यूम पंप वाले हिस्से से, इस ओपनिंग से थोड़ी सी हवा को अंदर जाने देना है, हल्की हल्की सी। मतलब आपने क्या किया, आपने इसको थोड़ा सा खोल दिया। ठीक है, तो अब होगा क्या, एयर पार्टिकल जो बाहर हवा है वो इसके अंदर दाखिल होगी। अब क्या होगा, अब अलार्म अंदर चल रहा है, हवा अंदर दाखिल हो रही है, और हवा के अंदर दाखिल होने से मटेरियल की मौजूदगी, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मटेरियल वाली कंडीशन इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब क्या होगा, आपको हल्की हल्की सी आवाज सुनाई देने लगेगी। जैसे जैसे हवा अंदर जाएगी, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मौजूद होगा अंदर, आपको क्लियर आवाज सुनाई देगी इस अलार्म सिस्टम की। ठीक है जी, समझ आ रही है? तो इस तजुर्बे से यह साबित होता है कि आवाज की गुजरने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए सॉलिड लिक्विड गैस का होना जरूरी है। ये एक एक्सपेरिमेंट था। एक और एक्सपेरिमेंट आप ले सकते हैं, ये तो गैस से रिलेटेड था, आप लिक्विड से रिलेटेड भी बेटा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ एक टब में पानी भरना है, ठीक है, और आपने दो मेटालिक स्पून, ठीक है, आधी चम्मच आपने पकड़नी है, या फिर आप एक स्टील का कोई बर्तन, कोई थाली वगैरह पकड़ के उस पानी के अंदर आप भाप डाल दें, ठीक है, स्पून और मेटालिक प्लेट, स्टील प्लेट, और आपने पानी के अंदर उसको आपस में से स्ट्राइक करना है। तो जैसे आप स्ट्राइक करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आवाज सुनाई देगी, लेकिन उस सूरत में क्या होगा कि बेसिकली वो जो आवाज जो है ना, वो प्रॉपरली लिक्विड के अंदर प्रोपोगेट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवाज है वो लिक्विड में से भी गुजर सकती है, सिमिलरली गैस में भी। गैस में इसकी स्पीड
सबसे ज्यादा होती है बेटा, याद रहे। ठीक है, टॉपिक अटेंशन आप ये क्लियर करेंगे। तो ये बेटा आज की जनरल और बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन थी। लॉन्गिट्यूडनल नेचर क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल नेचर में होता ही है कि जब आवाज पैदा होती है, जब आवाज पैदा होती है, साउंड क्रिएट होती है, तो साउंड क्रिएशन पॉइंट से, वाइब्रेटिंग पॉइंट से, वाइब्रेट, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, सो आई एम अ वाइब्रेटिंग पॉइंट। ठीक है, मैं एक वाइब्रेटिंग पॉइंट, तो वाइब्रेटिंग पॉइंट से आवाज के पैदा होने के बाद यहां मौजूद जो एयर है, ये कुछ मकामात पर कंप्रेस होगी, मतलब ये हवा को दबाएगी, और कहीं पर इसके अंदर थोड़ा सा अनकंप्रेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। मतलब ये होगा कि आवाज जो है ना, वो एक प्रॉपर लाइन में पार्टिकल्स ऑफ मीडियम के वाइब्रेशन के डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इस किस्म की आवाजों को, इस किस्म की वेव को मैकेनिकल नेचर कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर इसकी डिटेल मौजूद है। इंशाल्लाह हम लोग जब वो चैप्टर क्लियर करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको मैकेनिकल नेचर के बारे में दोबारा यहाँ पर रिमाइंड करवाऊंगा कि यही है बेटा वो साउंड वेव। उम्मीद है बेटा कि ये लेक्चर आपको बहुत ईजी लग रहा है। ठीक है, और आगे भी मजीद जो टॉपिक आएंगे, रिफ्लेक्शन और ये कैपेसिटिव साउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मजीद आपसे ये सवाल पूछे क्या जाते हैं, देखिए कि आज के लेक्चर में जनरल इंट्रोडक्शन था, वेटेज था, और आज सिर्फ सिर्फ डिफाइन साउंड या व्हाट काइंड ऑफ साउंड इज, व्हाई साउंड कैन नॉट प्रोपगेट इन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम के अंदर खला में आवाज प्रोपगेट क्यों नहीं करती। तो इस तरह के आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर जाते हैं। ठीक है, आप इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक जो 2 से 3 पेजेस है उसकी सेल्फ रीडिंग करें। ठीक है जी, मजीद कुछ क्वेश्चंस हो तो आप उसको खुद अपने तरीके से सर्च करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।